हेलो दोस्तों, डेटा सानू के एक नए एपिसोड में मैं मन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं 5000 से लेकर 10000 के अंदर कौन कौन सा फ़ोन आपके लिए सबसे बेस्ट है, जो आपको ज़रूर खरीदना चाहिए। जो फ़ोन आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पर मिल रहे हैं, ना ही आपको ऑफलाइन मार्केट में फ़ोन जो मिल रहे हैं बहुत से हाई प्राइस पर आपको लो स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन मार्केट में ऐसे ही फ़ोन है जो 5 से लेकर 10000 रुपीज़ के प्राइस के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे स्पेसिफिकेशन आपको दे रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, हमने 900 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए हैं, तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, हमको बहुत ही जल्दी 1K सब्सक्राइबर भी कंप्लीट करना है। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए मेरे वीडियो को शुरू किया जाए। तो ये लिस्ट में जो पहला स्मार्टफोन आ रहा है, ये आ रहा है 5000 रुपीज़ के प्राइस के अंदर, मतलब ये इसका प्राइस है 4999 रुपये। ये आ रहा है मोबिस्टर की तरफ से, मोबिस्टर का CQ स्मार्टफोन। इसमें आपको 5 इंच का आपको 720p आपको डिस्प्ले मिलता है, 8 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा मिलता है, 13 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिलता है, मतलब ये एक सेल्फी सेंट्रिक स्मार्टफोन है। इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 425 प्रोसेसर मिलता है, जो 5000 रुपीज़ के अंदर सबसे बेस्ट प्रोसेसर माना जाता है। इसमें आपको 2GB का रैम, 16GB का इंटरनल मेमोरी मिल रहा है। ये स्मार्टफोन आपको फ्लिपकार्ट पर मिल रहा है, ये चाहे तो ये स्मार्टफोन आप खरीद सकते हैं। दोस्तों ये लिस्ट में जो दूसरा स्मार्टफोन आ रहा है, ये आ रहा है टेनर की तरफ से। टेनर अमेजन का एक खुद का ही ब्रांड है, जो बहुत ही अच्छे अच्छे फ़ोन ला रहे हैं। मैं 2 दिन पहले आपको टेनर ई स्मार्टफोन का अनबॉक्सिंग किया था, आप देख सकते हैं वो स्मार्टफोन भी बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। 2GB रैम, 16GB इंटरनल मेमोरी के साथ आ रहा है, 4000mAh का बैटरी है उसके अंदर। इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 430 प्रोसेसर मिलता है, और 13MP का रियर कैमरा, और 5MP का आपको फ्रंट कैमरा मिलता है। इसका एक और वेरिएंट भी आता है 3GB रैम और 32GB वेरिएंट के साथ, जो 2GB वाला वेरिएंट आपको मिल रहा है 5999 रुपये में, और जो 3GB वाला वेरिएंट आपको मिल रहा है 6999 रुपये में। दो फोन बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं, आप चाहें तो ये फ़ोन भी आप कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों ये लिस्ट में जो तीसरा स्मार्टफोन आ रहा है, ये आ रहा है टेनर डी स्मार्टफोन। ये एक माना जाता था रेडमी का, जो 5S स्मार्टफोन को पूरी तरह से किल कर दिया था प्राइस के और स्पेसिफिकेशन के अंदर। ये स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको 5.2 इंच का आपको 720p का आपको डिस्प्ले मिलता है। इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 425 प्रोसेसर, जो इस प्राइस के अंदर बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। इसमें आपको 3GB का रैम, 32GB का इंटरनल मेमोरी मिलता है। इसमें आपको डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट भी मिलता है, और 3500mAh का बैटरी मिलता है। इसका प्राइस तकरीबन आपको 5999 रुपये में, आप चाहें तो ये फ़ोन को भी आप कंसीडर कर सकते हैं 10000 रुपीज़ के प्राइस के अंदर। दोस्तों ये इसमें जो चौथा स्मार्टफोन आ रहा है, ये आ रहा है MI की तरफ से, MI का Redmi 5 स्मार्टफोन। इसमें आपको 5.7 इंच का आपको HD प्लस वाला आपको डिस्प्ले मिलता है, मतलब यहाँ पर आपको 18:9 का रेशियो मिलता है। स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन है बहुत ही थोड़ा बहुत आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको 720p का ही डिस्प्ले मिलता है। इसमें आपको 2GB का रैम और 16GB का मेमोरी आता है, और एक और वेरियंट आपको 3GB रैम और 32GB वाला वेरियंट भी आता है। ये प्रोसेसर, ये मोबाइल फ़ोन आता है आपको स्नैपड्रैगन के 450 प्रोसेसर के साथ, जो बहुत ही ज़्यादा बैटरी एफिशिएंट के साथ साथ बहुत ही अच्छा आपको गेमिंग परफॉर्मेंस भी दे सकता है। 3300mAh का बैटरी के साथ आ रहा है। ये स्मार्टफोन भी आप अमेज़न पर जाकर परचेज कर सकते हैं। मैं ये स्मार्टफोन का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर इस स्मार्टफोन के बारे में ज़्यादा कुछ जान भी सकते हैं, और ये स्मार्टफोन का आप परचेज भी कर सकते हैं। दोस्तों ये लिस्ट में जो 5 नंबर का स्मार्टफोन है, ये भी आ रहा है टेनर की तरफ से, टेनर G स्मार्टफोन। ये स्मार्टफोन में आपको मिलता है 3GB का स्टोरेज और 4GB का रैम वेरिएंट, दो वाला वेरिएंट आपको 32GB इंटरनल मेमोरी और 64GB इंटरनल मेमोरी आपको दो इंटरनल मेमोरी वेरिएंट के साथ आता है। इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का RGB प्लस मोनोक्रोम सेंसर, मतलब यहाँ पर आपको डुअल रियर कैमरा मिलता है, और फ्रंट में आपको 16MP शूटर मिलता है। ये फ़ोन का सबसे खास बात मुझे लगा, यहाँ पर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 626 वाला प्रोसेसर, जो 2.2 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। बहुत ही ज़्यादा बैटरी एफिशिएंट के साथ साथ पावरफुल फ़ोन है। ये फ़ोन आता है जो 3GB रैम वेरिएंट का प्राइस आपको 7999 रुपये, और जो 4GB रैम वेरिएंट का प्राइस 9999 रुपये में ये फ़ोन आ रहा है। आप चाहें तो ये फ़ोन को भी कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों ये लिस्ट में जो 6 नंबर का स्मार्टफोन आ रहा है, ये आ रहा है रियलमी तरफ से। ओप्पो का एक सॉफ्ट ब्रांड है, जो बहुत कम दिनों पहले इंडिया में लॉन्च हुआ था। बहुत ही अच्छा स्पेसिफिकेशन के साथ ये स्मार्टफोन आ रहा है। यहाँ पर आपको MediaTek का P60 प्रोसेसर मिलता है, 3GB का रैम, 32GB का इंटरनल मेमोरी, डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट, आपको फेस अनलॉक बहुत ही फास्ट देखने को मिलता है। इसमें आपको 13MP का रियर कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है, जो आपको AI बेस आपको देखने को मिलता है। यह ऐसा स्मार्टफोन जो 10000 के अंदर एक लोता स्मार्टफोन है, जिसमें आपको AI फीचर आपको देखने को मिलता है। दोस्तों ये स्मार्टफोन का फ्लैश सेल में आपको मिल रहा है अमेजन पर, आप चाहें तो ये स्मार्टफोन को भी कंसीडर कर सकते हैं। 9000 रुपीज़ का ये स्मार्टफोन ही बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है 10000 के रुपीज़ के अंदर। दोस्तों ये लिस्ट में जो 7वां नंबर का स्मार्टफोन आ रहा है, ये आ रहा है MI की तरफ से, MI रेडमी नोट 5। ये स्मार्टफोन में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 625 प्रोसेसर, यहाँ पर आपको 3GB का रैम, 32GB का इंटरनल मेमोरी आपको मिलता है। हालांकि यहाँ पर आपको हाइब्रिड स्लॉट मिलता है, यहाँ पर आपको 4000mAh का बैटरी तो मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको 6 इंच का आपको फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है, 12MP का वो रियर कैमरा, और 5MP का आपको फ्रंट कैमरा मिलता है। ये स्मार्टफोन भी 10000 के अंदर अगर आप कंसीडर करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है 10000 रुपीज़ के प्राइस के अंदर।
दोस्तों ये लिस्ट में जो आठवां स्मार्टफोन आ रही है यार हॉनर का 7A और 7C, ये दोनों स्मार्टफोन आपको इंडिया में बहुत ही जल्दी लॉन्च आज ही अवेलेबल होना शुरू हुआ, लॉन्च 3-4 दिन पहले हुए थे। ये स्मार्टफोन भी बहुत ही अच्छे स्मार्टफोन है। हॉनर का जो 7A स्मार्टफोन ये आ रहा है स्नैपड्रैगन का 430 प्रोसेसर के साथ, और जो हॉनर का 7C आ रहा है ये आ रहा है स्नैपड्रैगन का 450 प्रोसेसर के साथ। दोनों ही आपको 18:9 का स्क्रीन मिल रहे हैं, दोनों में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मेटल यूनिवर्डी आपको मिल रहा है। ये दोनों स्मार्टफोन भी आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। ये स्मार्टफोन का भी मैं आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप ये स्मार्टफोन के बारे में ज़्यादा कुछ जान भी सकते हैं और ये स्मार्टफोन को परचेज भी कर सकते हैं। दोस्तों ये लिस्ट में जो नेक्स्ट स्मार्टफोन आ रहा है 9 नंबर का स्मार्टफोन ये आ रहा है मोविस्टार की तरफ से, मोविस्टार का XQ स्मार्टफोन। ये एक सेल्फी सेंट्रिक स्मार्टफोन है, इसमें आपको डुअल सेल्फी कैमरा मिलता है, रियर में आपको 13 मेगापिक्सल शूटर मिलता है। ये मेटल यूनिबॉडी वाला स्मार्टफोन आपको स्नैपड्रैगन का 430 प्रोसेसर के साथ आता है। ये स्मार्टफोन भी अगर आप कंसीडर करना चाहते हैं तो 8,000 के रुपीज़ के अंदर ये एक अच्छा स्मार्टफोन है। अगर आपको सेल्फी पसंद है तो मोविस्टार का XQ भी एक ऐसा स्मार्टफोन है जो बिलो 10,000 के रुपीज़ के अंदर आपको अच्छा परफॉर्मेंस और अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस आपको दे सकता है। दोस्तों ये लिस्ट में जो आखिरी स्मार्टफोन है ये आ रहा है इन्फिनिक्स की तरफ से, जो बहुत दिनों पहले इंडिया में लॉन्च हुआ था, तकरीबन 3 से 4 महीने पहले, इन्फिनिक्स का हॉट S3। ये स्मार्टफोन आपको 20 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिलता है, 4000 mAh का बैटरी मिलता है, रियर में आपको 13 मेगापिक्सल का शूटर मिल रहा है। ये स्मार्टफोन भी अगर चाहें तो परचेज कर सकते हैं। मैं ये स्मार्टफोन का भी लिंक मैं आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली ये स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हैं और ज़्यादा कुछ ये स्मार्टफोन के बारे में जान भी सकते हैं। दोस्तों मैंने तो आपको बताया टॉप 10 ऐसे स्मार्टफोन जो आपको 5 से लेकर 10,000 रुपीज़ के प्राइस के अंदर आपको कंसिडर करना चाहिए। दोस्तों आज के वीडियो में मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत आप मेरे वॉइस में चेंज दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इतनी गर्मी है और मैं बाहर बैठा हूँ तो बोलने में भी तकलीफ हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत गर्मी में शूटिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है। जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।